जानते हैं कैलाशपुर के गांव के युवाओं की क्या सोच है। जी आपका नाम? रघुदेव सिंह जी। तो मतलब जिस तरीके से आपके बुजुर्गों ने बताया कि आपने इस मंदिर के लिए काफ़ी सारे काम किए, आपने हमारी अपनी संस्कृति को जो है वो बहुत बचा के रखा है, तो जिस तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके नज़रिए में आप इस गांव से बाहर ज़रूर गए होंगे, आपने और युवाओं को भी देखा होगा, उनकी संस्कृति को बदलते हुए भी देखा होगा, तो किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिले? हमारे जो युवा हैं अब आज के समय में, हमारा युवा बहुत मंदिर से आस्था रखता है। जब भी कोई भी मंदिर पर जो पर्व होता है गाँव का, उस पर्व पर हमारा युवा जो है सारे मंदिर को अच्छी तरह से सजा के, उसको अच्छी तरह से सजा के और उसके उस त्यौहार को बहुत पर्व के रूप में मनाता है। ये हमारे युवा की जो संस्कृति है, हमारे बुजुर्गों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बुजुर्ग हमेशा हमको दिशा निर्देश देते हैं और हम ही उन्हीं दिशा निर्देशों पर हम चलते हैं। इसीलिए हमारे गाँव का जो युवा है हर चीज़ से, नशे से हर चीज़ से बचा हुआ है और संस्कृति भी अभी मौजूद है। अच्छा, आपका क्या नज़रिया रहेगा इस विषय पर? कौन सी विषय पर? जो आपने बताया कि आपने अपने गांव को, आपने अपने गांव को बचा कर रख रखा है, इसकी गांव की संस्कृति को बचा कर रखा, मंदिर के लिए बहुत सारी आस्था रखी है। हाँ, मंदिर के लिए तो हमारी आस्था है पहले से ही है, और कल्चर भी कहीं ना कहीं बचा के रख रखा है हमने, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडर्न बनो लेकिन अपने कल्चर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और हमारे प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार होगा जी। जिस तरीके से मैं, मेरा सवाल ये है जिसका आप आंसर मेरे को अब तक नहीं मिला, कि आप लोगों ने अपनी संस्कृति को किस तरीके से बचा के रखा, क्या बुजुर्गों की बात मानी या फिर औरों की, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ना अपनाया, या कुछ ऐसा खास रखा कि हाँ हमें अपनी संस्कृति पर अटल रहना है? जी भाई, जैसा कि अभी हमारे उमेश भाई ने और हमारे कुछ गाँव के सज्जन लोगों ने बताया मंदिर के बारे में, तो जहाँ तक संस्कृति की बात आती है, आसपास के माहौल को देखते हुए संस्कृति कहीं ना कहीं हम लोगों से पीछे हटती जा रही है, हम लोगों से कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आसपास के माहौल को देखते हुए और समाज को देखते हुए हमारे युवा शक्ति जो ग्राम कैलाशपुर, JSB एक छोटा सा ग्रुप है, JSB धाम कैलाशपुर, उस ग्रुप ने मिल करके जितना पॉसिबल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आज भी संस्कृति को बचाया हुआ है। जैसे कि अभी मंदिर पर होली, दीपावली, नवरात्रा, नई साल, ये कुछ कावड़ यात्रा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे हम यहाँ समय समय पर जागरण, ये सभी चीज़ें मंदिर के लिए कराते रहते हैं। अब यहाँ तक कि अभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि मंदिर पे, या आप हमारे, आपका जो सवाल था वो ये था कि संस्कृति किस तरीके से आप लोग बचा रहे हैं, तो जहाँ तक संस्कृति बचाने का सवाल है वो ये है कि आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समय समय पर जो दिशा निर्देश देते हैं, अगर कोई चीज़ गलत है हम उनसे बैठ के बात करते हैं, अगर हमारी गलत है वो हमसे बैठ के बात करते हैं, तभी हम लोग संस्कृति को बचा पा रहे हैं। और आगे भी हम ये कोशिश निरंतर करते रहेंगे कि हम अपनी संस्कृति को जहाँ तक हो सके बचाएं और युवाओं को आगे एक अच्छा भविष्य दें। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। मैं पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल आपसे होगा कि पिछले त्योहारों में और आपके त्योहारे में, अगर आप अपने गांव की बात को लेकर देखें, तो मैं बड़ा खुश हूं कि आपने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। आप पूरे के पूरे ज़िले को लेकर, पूरे राज्य को लेकर, देश को लेकर हित में बताना कि संस्कृति में त्यौहार जब में क्या बदलाव था और अब में क्या बदलाव है त्यौहारों को लेकर। त्यौहारों को लेकर मेरा नाम सतवीर शर्मा है। त्यौहारों को लेकर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं, पहले हम इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते थे मंदिर पर, होली हो, दिवाली हो, हम मंदिर पर आगे पहले पूजा करेंगे सिद्ध बाबा की, उसके बाद घर में पकवान वगैरह जो भी बनेगा। आज भी वही है, थोड़ा सा चेंज है, नई जनरेशन है, माहौल चेंज होना है, लेकिन हम अपने पुराने नहीं भूल। आसपास के क्षेत्र को देखते हुए, आसपास के क्षेत्र में हम लोग अब भी बचाए हुए हैं, बहुत ठीक ठाक बचाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं भूले, हमारे बुजुर्ग क्या हैं हम नहीं भूले, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं। मैं अजय भाई की बात से सहमत हूँ, नॉर्मल भाषा से अलग है बिल्कुल, जो हम बोलते हैं गाँव में हमें उस पर फख्र है। हम लोग बाहर जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं वो अलग है, हम गांव में आते हैं अपनी भाषा में बात करते हैं, वो बिल्कुल हमारी ये भाषा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति की अजब पहचान है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ लिख के हम लोग बाहर जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं, ये भाई दिल्ली जाते हैं, मैं नोएडा जाता हूँ, बाकी लोग सब अलग अलग जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आके हम अपने गाँव की भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की मेन पहचान है हमारी भाषा। सुनते हैं इस कैलाशपुर के सिद्ध बाबा के मंदिर के, जो एक स्तंभ कहा जाता है जिन युवाओं में से या फिर जिन लोगों में से जिन्होंने इन मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है, तो उस मंदिर के एक स्तंभ से आके बात करते हैं जो बीम के तौर पे कहा जा सकता है।
आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम श्यामलाल है जी। तो मैं आपको मतलब इस मंदिर का सीधे सीधे स्तंभ कह रहे हैं ये गांव के लोग, तो आपकी क्या मान्यता है? इनका बड़प्पन है, मैं तो एक बाबा का सेवक हूँ बस। तो बाबा मंदिर को लेकर आपकी क्या मान्यता है और यहाँ के धर्म वगैरह? मंदिर के लिए तो मतलब जैसा कि भैया हमारे बहुत ज़्यादा ये पुजारी जी भावुक हो जाते हैं, और मंदिर के स्तंभ के बारे में जहाँ तक बात करें तो मंदिर के स्तंभ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आज भी निरंतर मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। ये पुजारी जी पिछले 8-10 साल से कंटिन्यू सुबह 4 बजे अपनी खाट छोड़ते हैं और दोपहर में लगभग 9 बजे तक यहाँ रहते हैं। वही समय इनका शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक मंदिर पर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और इसी कारण से आज हम लोग इनकी प्रेरणा से अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। ये मेरे नीरज भाई कुछ मंदिर के बारे में कहना चाहेंगे। मैं आपका नाम? नीरज कुमार जी। मेरा नाम नीरज कुमार, मैं यहाँ मंदिर के एक भाई जो कार्य सदस्य हूँ, और हम मंदिर को विकास की तरफ ज़्यादा वो करना चाहते हैं। जैसे हमने कोई भी अपने मंदिर को विकास दर विकास, जैसे हमने पहले छोटा पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज करवाते जा रहे हैं, और मेरा ये है कि सपोर्ट है जितने भी ये मेरे युवा हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ हैं, जो भी हैं हमारे यहाँ, पूरी सपोर्ट देते हैं और इस मंदिर को हम स्वर्ग बनाने की उस पर हैं। सर, मैं कुमार भाटी आप सभी का सुनो भारत न्यूज में स्वागत करता हूँ। आज हमारी टीम गांव संस्कृति बचाओ का 5वां एपिसोड शूट करने ग्रेटर नोएडा के गांव कैलाशपुर में आई है, और कैलाशपुर में आज हमने गांव का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां पे इस मंदिर की बारे में जानकारी ली है और इस इतिहास के बारे में जानकारी ली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दोनों तरफ गांव के युवा और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी हमें जानकारी दी और काफ़ी जानकारी हमने प्राप्त करी। तो मैं अब लास्ट में आखिरी में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपने गाँव में हमें बनाना चाहते हैं, आप अपने गाँव के बारे में हमें बताएँ और हमें अपने गांव के बारे में जानकारी दें, और आप जो नीचे हमने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अधिक संख्या में अपने गांव के बारे में जानकारी भेजें और हमें अपने गांव में बुलाएं, और हम आएंगे अपने टीम के साथ आपके गांव में, आपके गांव के बारे में लोगों को बताएंगे, आपके गांव की जो जानकारी है, जो इतिहास है, जो कल्चर है, उससे पूरे देश को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।